गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे और इवनिंग से ब्लॉग बना रही हूँ, तो गुड इवनिंग और हैप्पी संडे दोनों बनता है। और गाइस, पीछे साइड में देखिए, बैक साइड कैमरा में देखिए आप, कितना उजाला है। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और देखिए यहाँ पे कितना उजाला है। यहाँ पे बहुत लेट सनसेट होता है क्योंकि महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से बहुत लेट होता है और जगह से इंडिया में। तो देखिए कितना उजाला है यहाँ पे। अभी मेरे को बहुत मन हो रहा है कि मैं चाय पी हूँ, कि गर्मी भी बहुत हो रही है और आप लोगों से बात करने में मुझे फ़ैन बंद करना पड़ता है, नहीं तो पूरे फ़ैन का आवाज़ ज़्यादा आता है, मेरा आवाज़ दब जाता है उसके सामने। तो चलिए अभी चाय बनाएंगे, थोड़ा बाहर भी चलती हूँ मैं, क्योंकि मुझे घर पर बहुत गर्मी और मतलब अजीब लगता है। अभी सारा सामान उथल पुथल हुआ पड़ा है, आपको मैंने बताया ही था कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं, तो अभी हम लोग को गुजरात जाना है। तो मैं पर मतलब सामान बिखर गया है हमारा सारा, सब धो धो के, कुछ चीज़ें जो धोने वाली चीज़ें उनको धो धो के हटा दिया है मैंने। कुछ ऐसे पड़े देखे ना, ये सॉफ्ट टॉयज वगैरह धो के सारा यहाँ डाला हुआ है, मैंने डम किया हुआ है। और मतलब जाने से पहले वही सोच रही हूँ, सब हटाती जाऊँ मैं, धीरे धीरे स्टार्ट कर दूँ कि कब जाना पड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि हस्बैंड से बात हुआ था तो वही बोल रहे हैं जून फर्स्ट वीक में, तो फर्स्ट वीक तो आ ही गया है। आज है 30, तो 30 है और 31st, फिर फर्स्ट आ जाएगा, तो वही है। और ये देखिए व्लॉग, आप ये कल जाएगा आप लोग के पास, पोस्ट हो पाता है या नहीं हो पाता उसका भी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है। चलिए अभी चाय बनाने चलते हैं, चाय बना के फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस अभी देखिए सब कोई बैठ के टीवी देख रहे हैं, और इधर है दीदीमा, और अभी रुद्र है जो वो रिमोट लेके घूम रहे हैं, बस घूमना ही आता है उसको और कुछ नहीं आता है। और इधर है रुद्र, आप लोग बहुत दिनों बाद रुद्र और रिद्धिमा से शायद मिल रहे होंगे, काफ़ी टाइम हो गया रुद्र और रिद्धिमा नहीं आते हैं वीडियो पे, तो आज रुद्र और रिद्धिमा भी बैठे हुए हैं मेरे साथ। अभी हम लोगों ने चाय नहीं पिया, मैं जूस बनाया है, जूस पिए हम लोग, रिद्धिमा ने बनाया जूस, ऑरेंज जूस, वो हम लोग पी लिए हैं और बैठे हुए हैं। बहुत गर्मी लग रहा है यहाँ, बहुत गर्मी बढ़ गया है, ना बारिश हो रहा है ना कुछ। बारिश दिखता है कि बादल वगैरह होता है, फिर उसमें बारिश होता ही नहीं है, पता नहीं कब बारिश होगा। बहुत गर्मी है यहाँ पे, हर टाइम एसी में नहीं बैठ के रह सकते ना। तो अभी खाना वगैरह तो बनाना नहीं है, दोपहर में लंच में चिकन बना था, अभी चिकन काफ़ी बचा हुआ है, ये चिकन और चपाती बनाऊंगी मैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस अभी इन लोग के साथ बैठी हुई हूँ मैं, कुछ पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, ये लोग का एडमिशन भी नहीं हुआ, एडमिशन भी रुका हुआ है, रिजल्ट भी नहीं आया एक का, और एक का रिजल्ट आ गया है, मिल गया है, बट छोटे वाले का रिजल्ट नहीं आया। फॉर्म फिल करके बैठे हुए हैं हम लोग दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए, गुजरात के लिए। तो अब देखिए कब तक हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं, तैयारी तो है कि शिफ्ट होना है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक मंथ के फर्स्ट वीक में या मिड वीक में जाएं हम लोग, देखिए कब तक जाते हैं। अभी ससुर के जाने से हस्बैंड इतना ज़्यादा परेशान है ना कि क्या बोले, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वही सब चीज़ों से अभी उभर नहीं पा रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि यहाँ का सारा काम ख़त्म हो चुका है उनका, और दूसरी जगह का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं काम में लगूँगी, आप लोगों से तो बातचीत होता ही रहेगा। अभी देखिए ये लोग क्या क्या करते हैं, रिद्धिमा का दिखाती हूँ मैं आपको, क्या कर रही है वो, मोबाइल लेके बैठी हुई है। और इधर रुद्र है जो कि टीवी देखता रहता पूरे टाइम, देखिए गाइस। देखिए मेरा ये डिनर है रुद्र का बनाया मैंने, रुद्र दोपहर में कुछ खाया ही नहीं, चिकन और राइस खाया नहीं उसने, बस फ्रूट्स वगैरह खाया था, कुछ नहीं,
और कब से बोल रहा भूख लगा है, तो उसके लिए बनाया मैंने। और उसको बिना पापड़ का खाया नहीं चाहता है, तो उसके लिए पापड़ तल रही हूँ। बिना पापड़ के तो रहता ही नहीं है। गाइस ये देखिए, आज राइस ही बना रात में, क्योंकि रिधमा को ही खाना बोल के बनाया, और फिर उसके बाद हस्बैंड भी खाया इसको और मैंने भी थोड़ा बहुत खाया, तो बहुत यमी बना था चिकन दोपहर में, वही चिकन को हम लोगों ने अभी खाया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मंडे, तो कल मेरा इस वीडियो का एंड नहीं कर पाई आप लोगों से बाय नहीं किया था इसलिए, क्योंकि कल रात में बहुत बारिश हुआ और यहाँ लाइट भी चली गई थी। तो आज सुबह आया है और अभी मैं नहाना हो गया मेरा, अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तो आपके साथ मैं नाश्ता शेयर करूँगी। आज बन रहा है सूजी का इडली, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। बोलते हैं ना, रवा बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होता है, तो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं अपने दोनों बच्चों के लिए सूजी की इडली बनाऊंगी, जिसमें गाजर डलेगा और जो आप सब्ज़ी चाहे वो डाल सकते हैं। मैं गाजर, प्याज और अदरक डालूंगी और उसको बनाऊंगी। और यहाँ इतना कड़क मौसम, धूप इतनी कड़क है, बज रहे हैं 10, बट बहुत ही धूप है, बहुत गर्मी लग रहा है यार। कल तो बारिश गिरा के और गर्मी कर दिया है। तो बस चलिए अभी बनाएंगे इडली। गाइस देखिए, ये गाजर काट मतलब कद्दूकस किया है, प्याज है, अदरक है, ये सारी चीज़ें पड़ेंगी इडली में। ये भुना हुआ सूजी है जो इस कप से नापा है मैंने, इसी कप से मैं दही भी ले लूँगी, एकदम फ्रेश दही होना चाहिए, और उसको फेंट लूँगी। और ये इनो भी इसमें काम आएगा, तो ये लास्ट में डलेगा। ये है मेरी दही, तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, 2 कप लिया था, बहुत गाढ़ी है तो थोड़ा इसमें पानी भी जाएगा। और फिर इसको हम सूजी में मिला देंगे सारी चीज़ों को, और हल्दी और नमक भी डलेगा। और लास्ट में जब हम सांचे में डालने जाएंगे ना इडली को, उस टाइम में इनो डाल के थोड़ा सा गर्म हल्का गुनगुना पानी डालेंगे, और फिर इसको मिला के जल्दी जल्दी डाल के फिर हम इसको इडली स्टैंड में बैठा देंगे, और हमारी इडली बहुत टेस्टी और यमी बनती है और पौष्टिक भी होती है और हेल्दी होती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। चटनी नहीं बना पाई हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मिक्सी जार ख़राब हो गया है। और देखिए ये मेरी इडली कितनी अच्छी बनी है। तो गाइस देखिए, अभी तो फोल्ड करके रखा है, कल मैंने ये सारा चीज़ धुला था, तो अभी ये सब चीज़ें फोल्ड हो गई हैं। और ये रखा किस पे, पहले ये देख लीजिए आप, हमारे यहाँ ये यूज़ आजकल मतलब वेट लिफ्टिंग और एक्सरसाइज के लिए है, और रखते हैं हम लोग आजकल इस पे कुछ कुछ, और बैठ भी जाते हैं इस पे हमारे यहाँ इस पे चार्जर भी चार्ज भी होता है, जो मोबाइल है, लैपटॉप है, चाहे टैब है, सब ना इस पे रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं और यहाँ चार्जिंग में लगा लेते हैं। चार्जर है ना, ये चार्जिंग का पॉइंट, यहाँ चार्ज कर लेते हैं, तो ये यूज़ हो रहा है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड का पूरा वेट लिफ्टिंग और ये सब के लिए, एक्सरसाइज के लिए सारा चीज़ अभी लॉकडाउन में ये सब इंतज़ाम करके रखा हुआ है, लास्ट ईयर से है सारा इंतज़ाम। ये जो है हम लोगों ने अमेज़ॉन से मंगवाया था, तो
ये अच्छा है इनका सेटअप। और ये अभी मंगवाया है, इसमें बैंड है जो आप इसको खींचते हैं, इसमें काफ़ी सेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे हस्बैंड को एक्सरसाइज करने के लिए, वैसे जिम जाते थे, अब जिम जाना बंद हुआ है तो ये सारी चीज़ें घर में हो रही हैं। और मेरा भी ये कभी कभी का इसमें सबका नाश्ता वाश्ता हो गया है और मेरा चाय पीना हो गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ सारा घर वर ठीक करूँगी। बिस्तर वगैरह मैंने ठीक नहीं किया अभी, और खाना तो पूरा बन जाता है मेरा सुबह ही, क्योंकि हस्बैंड को डब्बा देना होता है, तो डब्बे में पता ही आपको कि उनको सारी चीज़ देना होता है, तो सारी चीज़ें मेरी बन जाती है। बस नाश्ता मेरा थोड़ा लेट होता है क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं, कोरोना काल में बच्चों का ही हो गया है कि ऑनलाइन क्लासेस, और अभी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो रही है, अभी हॉलीडेज चल रहा है। तो बस चलिए नाश्ता वाश्ता हो गया, थोड़ी देर बाद फिर लंच करेंगे ये लोग, 2 बजे तक लंच होता है हमारा। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया, कल से चल रहा है ये वीडियो, अगर कल लाइट नहीं कटा रहता तो मैं कल ही एंड कर दी रहती। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी अच्छी रेसिपी और ब्लॉग लेके आती हूँ मैं। तो चलिए, और ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और सबके साथ, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं saradhana238। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।